हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि MI 11 सीरीज जो थी वो इंडिया में काफ़ी धमाल की रही थी, यानी कि काफ़ी सारे इनके स्मार्टफोन्स बिक गए थे और वो नंबर वन क्वालिटी के स्मार्टफोन्स थे। तो अभी जो है MI 12 जो स्मार्टफोन है वो लीक होकर आ चुका है। ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन का चिपसेट मिलेगा, साथ में 200 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा कैमरा में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। लेकिन क्या सच में ये 200 मेगापिक्सल का होने वाला है, तो आपको मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। आगे वीडियो पूरा एंड तक जरूर से देखना। नया होता हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें जो चिपसेट होगा वो होगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 895 चिपसेट। जी हाँ दोस्तों, ये एक लेटेस्ट चिपसेट है और ये जो चिपसेट है वो एक बेसिकली 5G इसमें मॉडेम लगा होगा। साथ में ये चिपसेट जो है वो 200 मेगापिक्सल सेंसर को सपोर्ट करेगा। जी हाँ दोस्तों, और ये जो सेंसर होगा वो होगा सैमसंग का। तो आपको 16:1 मेगापिक्सल के शॉट्स मिलेंगे और 12 मेगापिक्सल का एक आपको मिलेगा, यानी कि अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको टोटल 200 मेगापिक्सल का एक शॉट मिलेगा। तो वैसे देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। पता नहीं आगे चल के 200, 300, 400 कितने मेगापिक्सल दे दे। ये देखने वाली बात होगी कि वो 200 मेगापिक्सल कितना ज़्यादा बेहतरीन होता है, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कैमरा में, चाहे वो 12 मेगापिक्सल का क्यों ना हो या फिर 200 मेगापिक्सल। आपने देखा होगा कि कैमरा जो है वो सिर्फ 23 मेगापिक्सल, 24 मेगापिक्सल आपको मिलता है और वो भी 50,000 का, लेकिन वो जो क्वालिटी देता है वो 64 से 108 मेगापिक्सल से भी ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी देता है। तो यही देखना है कि ये जो 200 मेगापिक्सल होगा वो क्या सच में इतना बेहतरीन होगा। ये जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा तभी हमको ये चीज़ पता चलेगी। और ये जो चिपसेट है वो LPDDR5 रैम को सपोर्ट करेगा, साथ में आपको एड्रिनो का 730 GPU इस चिपसेट है इसमें मिलेगा। तो स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है गेमिंग के मामले में। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि आपको सामने की तरफ एक पंचुअल सेल्फी मिलेगी और डिस्प्ले जो होगा वो पूरा कर्व्ड होगा। तो ये जो MI 12 होगा वो एक MI 11 का सक्सेसर बन के आने वाला है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स भी होने वाले हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक सक्सेसर है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें और चेंजेस करते हैं इस स्मार्टफोन में, और क्या है 200 मेगापिक्सल सच में 200 मेगापिक्सल होता है या नहीं, इसके बारे में आपके सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बता देना। वैसे मैं तो बेसब्री से इस स्मार्टफोन का वेट कर रहा हूँ, तो आपके सोचते हैं कमेंट में ज़रूर से बता देना। नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और शेयर कर देना इस वीडियो को, लाइक भी कर देना। मैं आपको मिलता हूँ एक और नए फ्रेश वीडियो में। टिल देन, ग्रेट डे, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस।